हेलो फ्रेंड्स, आज हम डे फोर की वीडियो लेकर के आए हुए हैं। आइए चलिए डे फोर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो टाइम टेबल मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों को, मैं बता दूँ आप लोगों की जानकारी के लिए कि जो टाइम टेबल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ वो SSC स्टेनोग्राफर के एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए है। SSC CGL CHSL के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए टाइम टेबल लेकर के मैं आया हूँ, ठीक है। SSC स्टेनोग्राफर वाले जो मैथ सेक्शन है वो छोड़ देंगे, बाकी सीजीएल वाले मैथ सेक्शन को करेंगे। SSC स्टेनोग्राफर में जो चाहे, हालांकि मैथ जैसा कि मैथ नहीं आता है इसलिए उसे उन्हें मैथ करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। वेलकम टू आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। यहाँ पर मैं 4 महीने में पूरा सिलेबस मैं खत्म करूंगा। हालांकि मैंने 19 डेज चैलेंज रखा है लेकिन 90 दिन में अगर नहीं पूरा हुआ तो 120 डेज का ये पूरा कोर्स है, ठीक है। और जिसमें मैं टाइम टेबल प्रोवाइड कराऊंगा, टाइम टेबल फॉर SSC सीजीएल स्टेनोग्राफर CHSL एग्जाम सक्सेस। अब देखते हैं कोर्स पे, बहुत ज्यादा फालतू का समय ना लेकर के मैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। फालतू की कहानियां मैं अपनी वीडियो में नहीं गढ़ता हूँ ना बताता हूँ, जैसा कि आप जानते भी होंगे। टू द पॉइंट बात करके मैं खत्म करता हूँ क्योंकि मेरे पास भी समय कम है। काफी लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। सक्सेसफुल पीपुल आर नॉट गिफ्टेड, दे आर हार्ड वर्किंग। मतलब सब मिलाकर के ये है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप सफल हो जाओगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, ठीक है। बाकी के ज्ञान के लिए आप किसी भी और मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं डे फोर की। एकदम क्लियर कट मैं बात कर रहा हूँ भाई, इधर उधर बहुत ज्यादा वो करने वाला काम मेरा नहीं रहता है खासकर। आइए देखते हैं जनरल स्टडीज में आपको क्या पढ़ना है। जनरल स्टडीज में आपको पॉलिटी की बुक से लूसेंट से पढ़नी थी। आपको हमने बताया था कि लूसेंट से पहले दिन हमने क्या बताया था, पहले दिन हमने बताया था कि आप भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिएगा। और 1874 का चार्टर एक्ट, 1781 का वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ना है आपको, बताया था हमने। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लूसेंट की बुक से बताया था। ये डे 1 में हुआ था, फिर डे 2 आया था जिसमें हमने बताया था 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ लीजिएगा। यहां तक तो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। लूसेंट की ही बुक में आपको 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ना है। आप इंग्लिश वाले भी नोट कर लीजिएगा, 1861 जहां लिखा होगा वो पूरा पढ़ना है। 1873 का अधिनियम पढ़ना है, 1892 का अधिनियम पढ़ना है, ठीक है, और 1909 1909 का भारत शासन अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार पढ़ना है। ये सब बहुत पूछा जाता है, ये इतना आज आपको पढ़ना है। बहुत ही कम दे रहा हूं मैं स्टार्टिंग में, धीरे धीरे मैं उसके डोज को बढ़ाता जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी आपको इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ना इसलिए है क्योंकि संविधान का जो विकास है वो काफी ज्यादा मतलब भूलने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो आप जब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और पिछला रिवाइज भी करेंगे तो कम भूलेंगे। पूरा रिविजन करना है आपको, जो अभी तक पढ़ा है 3 दिन में वो पूरा रिविजन करना है, और प्लस इतनी ये पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक हमने बता दिया है, टाइम ड्यूरेशन आपका 1 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप रिवाइज करोगे और प्लस इन चीजों को पढ़ोगे। हो सकता है 45 मिनट लगे, इससे कम मत लगाइएगा, चाहे उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं आपको, ये जो दिया गया है आपको सीजीएल SSC सीजीएल क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, सेट नंबर 3, चौथा दिन है सेट नंबर 4 SSC सीजीएल। SSC CGL का पेपर 39 सेट है, 39 सेट कुल मिलाकर के 39 शिफ्ट हुई थी SSC CGL 2023 में। 3900 शिफ्ट की जो पेपर सेट है वो आपको RVE रिवोल्यूशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से पहला पहले दिन करना था, पहला सेट GS का पहले दिन याद करना था, दूसरा सेट दूसरे दिन, तीसरा सेट तीसरे दिन, चौथा सेट चौथे दिन आज याद करना है, ठीक है। चौथा सेट याद करना है और सेट नंबर 1 जो है वो रिवाइज करना है, वो क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक। इतनी बातें हो गई, आगे आते हैं। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, आप
चाहे वो ब्लैक बुक से पढ़ रहे हो, चाहे किरण पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रहे हो, या आप वोकैब्स में, सबसे पहली बात मैंने कई दिन नहीं बताया, वोकैब को आप, मैं आपको सिर्फ साइनोनिम्स यहाँ पढ़ने हैं, ठीक है, एंटोनिम्स भी नहीं पढ़ने हैं, 10-10 साइनो पढ़ना था। किरण पब्लिकेशन की बुक हो, एसपी बक्सी की बुक हो, ठीक है, या पिनेकल की बुक हो, जिस भी बुक में, या कोई भी यूट्यूब का टीचर हो, जिस भी बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइनोनिम्स मिल जाएं, वो आप याद कर लीजिएगा। दूसरी बात, ब्लैक बुक अगर पढ़ना है तो एक यूट्यूब चैनल है देसी पढ़ाकू, हमने कई बार बताया है, यहां से आप पढ़िएगा। इन्होंने काफी ज्यादा ट्रिकी वे में ब्लैक बुक को खत्म किया है पूरा। तो देसी पढ़ाकू ब्लैक बुक डालिएगा, प्लेलिस्ट देसी पढ़ाकू ब्लैक बुक प्लेलिस्ट यूट्यूब पर डालिएगा, जो भी आएगा एक नोट्स बना लीजिएगा विद ट्रिक, जो उन्होंने ट्रिक बताया है सेम वही ट्रिक यूज करके आप नोट्स बना लीजिएगा, उससे याद कर लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 15 से 20 मिनट उनकी वीडियो डेली आप देख लिया करो, ठीक है। रिवीजन आपको करना है 1 से 30, यानी कि 1 से 30 आपको रिवाइज करना है और 31 से 40 पढ़ना है। रिवीजन का मतलब एक बार आप बिना मन से, चाहे मन लगा करके पढ़ लीजिएगा। जब आप बिना मन से भी किसी चीज को 10 बार पढ़ लेते हैं तो वो अपने आप धीरे धीरे याद होने लगता है। मैं वही रिवीजन कराने की कोशिश पूरे टाइम टेबल में आपके साथ करूंगा भी। ग्रामर में आपको टेंस ही पढ़ना है, आज चौथे दिन भी, 7 दिन लगेंगे टेंस में, मैंने पूरा जोड़ा है, ठीक है। और ये पढ़ना है आपको यूट्यूब में तरुण ग्रोवर सर की का एक बैच है, जिसमें तरुण ग्रोवर सर टेंस वीडियो डालना आप आ जाएगा, और एसएससी का डालना है, तरुण ग्रोवर सर एसएससी टेंस वीडियो आ जाएगा, वहां से आप नोट्स बनाना टेंस का। अभी प्रैक्टिस नहीं करनी है, अभी पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर अदरवाइज अगर आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं और वो बेहतर तरीके से टेंस को उन्होंने पढ़ाया है, वहां से आप टेंस पढ़ लेना, या फिर अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग पे पढ़ रहे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिनके कोचिंग से काफी सिलेक्शन भी हुए हैं, ठीक है, तो उस ऑफलाइन कोचिंग से भी आप ग्रामर को पढ़ सकते हैं। इडियम्स आज हमने यहाँ ऐड किया है 5 से 10, D3 में सर मैंने 1 से 5 दिया था, यहाँ 5 से 10 आपको इडियम याद करने हैं, ठीक है, या 10 इडियम याद कर लीजिएगा 1 से 10, और वन वर्ड भी 1 से 10। ये यहाँ कहाँ से याद करेंगे, वही बात, चाहे ब्लैक बुक से, चाहे एमबी पब्लिकेशन की बुक से, चाहे कोई भी बुक हो जिसमें प्रीवियस ईयर के इडियम्स दिए गए हो, वन वर्ड दिए गए हो। स्टेनोग्राफर में वन वर्ड हालांकि नहीं आता है, फिर भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी, और अगर आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग है तो वो आपकी क्लोजेस्ट में भी हेल्प करेगी, वो आपके पैसेज में भी हेल्प करेगी, वो आपकी किसी भी चीज को समझने में हेल्प करेगी, ठीक है, जाया नहीं जाएगी। आगे देखते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो किसी भी न्यूज़पेपर से आप कर लीजिएगा, 45 मिनट खुद से पढ़िएगा, टाइम ड्यूरेशन मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग के बढ़ा दी है, खुद से 45 मिनट न्यूज़पेपर रीड करना है आपको, ठीक है, और उसमें कोई 10 वोकैब्स जो आपको ना आते हो उसे आप किसी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बाकी हमने बताया है आशीष क्लासेज, मैं बता रहा हूं कि मैं YouTube चैनल का नाम भी बताऊंगा, मैंने कई बार बताया कि मैं YouTube चैनल का नाम भी बताऊंगा आपको कि इस YouTube चैनल से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आशीष क्लासेस से आप न्यूज पेपर पढ़ सकते हैं, आशीष सर से न्यूज पेपर उन्होंने काफी बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है, उनका नोट्स बना लीजिएगा। रीजनिंग आपको पढ़ना है, रीजनिंग के लिए भी हमने यूट्यूब चैनल सजेस्ट किया था, कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ने के लिए मैं चौथे दिन भी बोल रहा हूँ, 5वें दिन से आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो परेशान मत होइएगा कि रोज रोज कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। एक सौरभ सर है, सौरभ सर अड्डा 24/7, ठीक है, अड्डा 24/7 के सौरभ सर हैं जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया है, वहां से आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ सकते हैं, या पीयूष सर से पढ़ सकते हैं आप, पीयूष सर कैरियर विल, इनसे पढ़ सकते हैं, या विक्रमजीत सर से पढ़ सकते हैं, इन सभी ने, विक्रमजीत सर, ठीक है, इन सभी ने कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, यहाँ से आप उनकी आधे घंटे की वीडियो, यानी कि 1.5 घंटे की वीडियो है, तो एक ही दिन बैठ करके 1.5 घंटे रेड डालें और फिर न जीएस पढ़ पाए, न रीजनिंग पढ़ पाए, न इंग्लिश पढ़ पाए, ऐसी गलती मत कीजिएगा, उनकी आधे घंटे की वीडियो देखिएगा, किसी एक को
हर किसी को भी नहीं पढ़ना है आपको, किसी एक से आप पढ़ लीजिए, उनका नोट्स बना लीजिए, सभी ने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है और लगभग सारे क्वेश्चन को सभी ने टेस्ट किया है, मैंने उनकी वीडियो देखी है। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, आपको नोट्स बनाना है विद एग्जाम्पल, ठीक है। अगर वो एक टाइप का कोई क्वेश्चन करा रहे हैं और उसके पांच एग्जाम्पल दे रहे हैं तो अपने नोट्स में आप पांचों एग्जाम्पल को रखिए। प्रैक्टिस करना है बुक से, अगर आप डे फोर तक सारी वीडियो की कंप्लीट कर चुके हैं तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। आपके पास कोई भी बुक होनी चाहिए प्रीवियस ईयर की, चाहे वो किरण पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए, चाहे वो राकेश यादव सर की बुक होनी चाहिए, कोई भी बुक जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। मैथ्स में परसेंटेज भी चौथे दिन का भी टॉपिक रहेगा, अब परसेंटेज चौथे दिन का टॉपिक है, पांच दिन परसेंटेज चलेगा, ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। ये पांच दिन परसेंटेज जो चलेगा इसकी वीडियो आप आदित्य रंजन सर की देख लीजिए, या अभिनव मैथ्स से अभिनव सर की देख लीजिए, ठीक है, या फिर आप इनसे क्या नाम गगन प्रताप सर से पढ़ लीजिए। अगर आपने पेड कोर्स नहीं ले रखा है, अगर आप लेना चाहते हैं पेड कोर्स तो पेड कोर्स भी ले सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पर फ्री में वीडियो आदित्य रंजन सर की हुई, अपने मैथ्स की हुई तो पढ़ी हुई अपने सर की, वहां से भी आप देख करके नोट्स जरूर बना लीजिए। नोट बना करके अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दो ऐसे टॉपिक हैं जो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक को परसेंटेज आज खत्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुरंत लगा डालिए, पांच दिन में खत्म होगा तो दो तीन दिन मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो दो तीन दिन आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टेनो वाले इसको नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप एक टू डेज एनालिसिस एक डेली बना लीजिए, छोटी सी पतली सी कॉपी जहां पर आप सभी चीजों का एनालिसिस करें, वोकैब्स हो पाया या नहीं, ग्रामर हो पाया या नहीं, न्यूज़पेपर हमने पढ़ा किसी यूट्यूब टीचर से, दो तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमने बोला है, एक तो आप न्यूज़पेपर लेकर के हार्ड कॉपी उसकी पढ़िए और दूसरा किसी यूट्यूब टीचर से पढ़ लीजिए, ठीक है, दोनों तरफ से आपको पढ़ना है, दोनों तरह से। पॉलिटी में हमने बताया है आपको टॉपिक, वो टॉपिक कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ ये, और पीवाईक्यू क्वेश्चन में सेट नंबर आज हमने 4 दिया था आपको याद करने के लिए, और सेट नंबर 1 दिया था रिवीजन के लिए। एसएससी सीजीएल 2023 में 39 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो 39 सेट पेपर के बने होंगे, जिसमें से पहला दूसरा तीसरा सेट डे 1 डे 2 डे 3 में हमने कराया है, चौथा सेट आपको यहां से करना है। सेम यही चीजें रीजनिंग में एनालिसिस करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, मैं फालतू की बकवास और बातें इधर उधर की नहीं कर रहा हूं, मैं टू द पॉइंट बात इसलिए भी कर रहा हूं, मेरे पास समय भी कम है और मैं ये चाह रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ पाए, पढ़ पाए, ठीक है, तो आप इस तरह से पढ़िएगा। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आगे भी आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जाकर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।